खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सेना ने साल 2018 में मार गिराए 230 आतंकी। ब्राजील के आध्यात्मिक गुरु पर यौन शोषण के आरोप। मध्य प्रदेश में धुंध और ठंड से बढ़ाई ठिठुरन। नई दिल्ली जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने इस साल अब तक 230 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है। वहीं पथराव की घटनाओं में घायल होने वालों की संख्या में कमी आई है। ब्राजील में अनेक महिलाओं ने जाने माने एक स्वयंभू आध्यात्मिक बाबा पर अवसाद तथा अन्य समस्याओं से निजात दिलाने के नाम पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। ये आरोप लगे हैं जो आओ टेक्सिरिया डी फारिया 76 पर, जिसे जो आर ओ डी डीएस नाम से जाना जाता है। भोपाल मध्य प्रदेश में रविवार की सुबह से धुंध और ठंड का असर बना रहा, लेकिन साथ ही खिली धूप ने मौसम को सुहावना बना दिया है। राज्य में धीरे धीरे ठंड का असर बढ़ रहा है। रविवार की सुबह से धुंध और ठंड का असर बना रहा, वही खिली धूप ठंड से राहत देने वाली दिखाई दी। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।